फ्रांस के लियोन शहर स्थित रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, 5 बच्चे समेत 10 लोगों की दर्दनाक मौत। रूसी सेना हुई और अधिक आक्रामक, यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल से हमले, कई इमारतों के ध्वस्त होने की खबर। जयशंकर ने पाक को फिर फटकारा, कहा सांप उन्हें भी काटेंगे जो इन्हें पालेंगे, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को लगाई लताड़। आईएमएफ के उप प्रबंधन निदेशक गीता गोपीनाथ का बड़ा बयान, भारत की अध्यक्षता में ठोस प्रगति करेगा G20, नौसेना में 18 कोष शामिल होगा। नेपाल में नई सरकार के गठन का रास्ता खुला, नेपाली कांग्रेस ने 90 सीटों पर दर्ज की जीत, नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी। ब्रिटिश उच्चायुक्त का बड़ा बयान, भारतीयों को 15 दिन में वीजा दे रहा ब्रिटेन, ट्विटर पर पोस्ट की गई एक छोटी वीडियो फिल्म में एलिस। भारत बांग्लादेश टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत, टेस्ट के तीसरे दिन पुजारा गिल के शतक, कुलदीप ने लिए 5 विकेट। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेल सकते हैं रोहित शर्मा, अंगूठे की चोट से उभरे, जल्द ही टीम के साथ जुड़ेंगे। ट्वेंटी में कोहली, रूट और विलियमसन ने छोड़ी कप्तानी, लीडरशिप से टॉप पर पहुंचवाया। अमेरिका का क्रिकेट में छाने का सपना, भारतीय करेंगे पूरा, अमेरिका की अंडर 19 महिला टीम के सभी खिलाड़ी, भारतीय कोच भी भारतीय मूल के, अमेरिका का क्रिकेट का सपना पूरा करेंगे इंडियन।